بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي सूरा आमरान की आयत नंबर एक सौ दो में अल्लाह रब्ज़त का इरशाद है या एयूहदीना आ मन हक का तुका ही वन्ना व अन तुम मुस्लिम ए लोगो जो ईमान लाये हो अल्लाह रबुल्ज़त किस तरह फरमा बरदारी करो जैसा कि उसकी फरमा बरदारी करने का हक़ है और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम उसी के फरमा बरदार हो सूरत के सत्तर से में फिर इर्शाद सदीदा ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह रबुल्जत के फरमा बर्दार बंदे बन जाओ और सीधी साफ सुथरी बात करोसुम आमाकुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे आमाल की तुम्हारे लिए इस्लाह कर देगा फिर लकुम जुनू बकुम और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा व मई तो व रसूल फ़तफ़ा ओ नाज़ीमा और जो अल्लाह इज़्ज़त की अतात करेगा और उसके रसूल की पैरवी करेगा तो गोया उसने बहुत अज़ीम कामयाबी हासिल कर ली हम सब जानते हैं कहले सुन्नत जमात का हिस्सा होने के नाते हमारा इस बात पर यकीन है कि क़यामत वाले दिन हुजूर अक़रम हजूर अक्रम सल्हम सिफारिश फरमाएंगे मगर देखा यह गया है कि बास मुसलमान इस हवाले से बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं और इस गलत फहमी के नतीजे में उन्होंने इस सिफारिश को अपनी सुस्ती काहली और अल्लाह रब्ल की नाफरमानी का जवाब बना लिया है यानी वो ये समझते हैं कि अब उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है नेक अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इस दलील के साथ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश हमें क़्यामत व्दिन मसर आ जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे यही वो लोग हैं जो दरअसल अपने नफ्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं और ज़्यादती कैसे कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करके और वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं खौफ किस बात का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सबसे ज्यादा रहमत पाने वाली उम्मत होगी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह एजाज अता किया है कि उसे दूसरों के लिए पैदा किया गया है और ये खैर वाली उम्मत है और इसे खैर ही नसीब होगा और इसकी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हक में क़्यामत के दिन की सिफ़ारिश का हक महफू रखा हुआ है और यह हर तोहद परस्त को यह सिफारिश अता होगी और वो कभी भी हमेशा हमेशा के लिए आग में नहीं डाला जाएगा बल्कि आग में सिर्फ वही लोग डाले जाएंगे जो कुफ्फार हैं या मशरकिन हैं यही वजह है कि इन दलाइल को सामने रखते हुए ये लोग अल्लाह रबुल्ज़त की अतात और फरमा बरदारी के हवाले से ज़बरदस्त गफलत और कोताही का शिकार हैं और वो अल्लाह इज़्ज़त की बरदारी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना नहीं चाहते दरअसल शैतान ने उनके लिए उनके नाम आमाल को खूबसूरत कर दिया है वो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक अमल कर रहे हैं और हमने जो ज़िंदगी में अल्लाह इज़्ज़त की नाफरमानी का रास्ता इस उम्मीद के साथ अपना रखा है कि हमें हजूर अक्रम सल्हसम की क़्यामत वाले दिन सिफारिश मैसर आएगी और हम कामयाब हो जाएंगे इसके नतीजे में उन्होंने नेक आमाल को तर्क कर दिया है अपने अखलाक की असला पर कोई तोज्जो नहीं देते और वो समझते हैं कि इस तरह वो जन्नत में बुलंद दराजात पा जाएंगे हालांकि दुनिया की ज़िंदगी में वो अपनी ख्वाहिशा पूरी करने में लगे हुए हैं और अपनी ख्वाहिशात में एक ख्वाहिश ये भी है कि क्यामत वाले दिन हमें उम्मीद है कि बग़ैर कोई अमल किए बग़ैर किसी अल्लाह रब्ल की फरमा बर्दारी के हम हजूर अक्रम सल्हसम की सिफ़ारिश को पा जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे यही वजह है कि वो नेक अमल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते इसी तरह से बास लोग इस हवाले से इस गलत फहमी का भी शिकार हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फ़रमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया इन नास फी उम्मती का वाला न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको आपकी उम्मत के हवाले से खुश कर देंगे और आपको कोई गम नहीं पहुंचाएंगे तो इस हदीस को लेकर बाज मुसलमान ये कहते हैं कि आप अलैहि वसल्लम की सिफारिश के नतीजे में हम यानी आपके उम्मती आग में नहीं डाले जाएंगे ये बात इन्हें भूल गई है कि अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस अपनी एक और हदीस में इसी हवाले से कहते हैं कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फरमाते हुए सुना यदलिन नारा मल्लाम अल्लाह हम जो तौहीद परस्त हैं बला वाले हैं इन में से भी इतनी बड़ी तादाद जहन्नुम में जाएगी कि जिनकी गिनती अल्लाह रब्ल के अलावा कोई नहीं जानता यानी वो इतनी बड़ी तादाद होंगे और उसकी वजह क्या है बेमासरा उ क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्लाज्जत की नाफरमानी की होगी और उसकी नाफरमानी बड़ी जुरत के साथ की होगी उसकी फरमा बरदारी करने की मुखालफत की होगी फयन शफा आती फिर सिफारिश का ऐलान किया जाएगा फ उस नी अदन तो मैं अल्लाह रबुल्जत की तारीफ करते हुए सजदे में चला जाऊँगा उसने अलैहि जैसा कि मैं खड़े होकर भी अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की तारीफ बयान करूंगा फयुको फिर मुझसे कहा जाएगा अपने सर को उठाएँ, वसल और वांगे आज, आज आपको अता किया जाएगा वशफा तुशफा और सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी लिहाजा उनकी दलील ये है कि अल्लाह इज़्ज़त क़यामत वाले दिन अपने नबी को राज़ी कर देंगे और उन्हें बहुत सारी सिफ़ारशें अदा की जाएंगी यहाँ हमें ये बात नोट करनी चाहिए कि आप सलीलसम की इस हदीस का ये कतल मतलब नहीं है कि अल्लाह इज़्ज़त के नाफ़रमान आग में नहीं जाएँगे बल्कि ज़रूर जाएंगे तो ये जो हमारे बहुत सारे मुसलमान इस गलत फ़हमी का शिकार हैं कि वह हजूर अक्रम सलीसम की सिफ़ारिश को बग़ैर अस्बाब इख्तियार किए और वो असबाब क्या है यानी बग़ैर नेक अमल किए पा जाएंगे और फिर जन जन्नत में चले जाएंगे और उन्हें जहन्नुम में दाखिल नहीं किया जाएगा ये बहुत बड़ी बदकिस्मती और बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं इसी तरह से बदकिस्मती से मुसलमानों में एक और जमात ऐसी पाई जाती है कि जिन जिनके दिल में उम्मीद है और जो लालच रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि की सिफारिश को पा सकें लेकिन इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के हवाले से जो झूठी अदीस है वो उनको थाम के बैठे हुए हैं और वो सही भी नहीं है बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे बास मुसलमान इस हदीस को कोट करते दिखाई देते हैं कि जिस किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़्यारत की खातिर सफ़र किया उसे क़्यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश नसीब होगी तो देखिए किस कदर गुमराही वाली बात है कि यहाँ पे किस ने एक अमल को आपकी सिफ़ारिश का ज़रिया बनाया गया और यह सही हदीस नहीं है वो ये है कि जिस किसी ने मेरी कब्र की ज़्यारत की खातिर सफ़र किया तो ये हदीस सही नहीं है तो जो लोग यानी मुसलमानों में कैसी जमात भी पाई जाती है जो जिहालत की वजह से इस गलत फहमी का शिकार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम की सिफारिश हासिल करने के लिए उनकी कबर की ज्यारत का का अहतमाम होना चाहिए लिहाजा मुसलमान होने के नाते हमें इस तरह की तमाम झूठी अदीस के हवाले से आ, जो है वो खबरदार रहना चाहिए और इनके बारे में आगाह रहना चाहिए और इस हवाले से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अहदीस सही हैं जिनका इकरार क़िराम ने भी किया है और जर व तादील केमाय क़िराम ने इन अहदीस को बयान किया है क्योंकि जब हमने हजूर अक्रम सल वसम की सिफारिश पाने के लिए कोशिश करनी है तो इसका वाहिद वसीला हमारे पास नेक अमल हैं और नेकल वही इबादत शुमार होंगे और वही इबादत अल्लाह तला के यहाँ कबूल होगी जो अल्लाह तहकाम के मुताबिक के हो और आप सल्लासम के तौर तरीकों के मुताबिक होगी अगर हम कोई ऐसा नेक अमल करने की कोशिश करें कि जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने नहीं दिया या जिसको हजूर अक्रम सलम ने बयान नहीं किया या अपनी जिंदगी में उसको किया नहीं तो यकीन हमारी वो कोशिश नाकाम हो जाएगी इसी तरह से देखिए हजूर अक्रम सल्हसम की सिफ़ारिश के हवाले से बास लोग ये भी समझते हैं कि आप सल्हम की सिफ़ारिश से क़्यामत वाले दिन मुस्तफ़ीद होने के लिए सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल रबुल्जत से दुआ कर लेना ही काफ़ी है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड इस्बाब हैं उनका इख्तियार करना ज़रूरी नहीं सवाल ये पैदा होता है कि वो मतलूबा इसबा क्या हैं वो दरअसल हर तरह के वो नक अमल हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजूर ने अपनी मुख्तलि अहादीस में तस्करा किया है ये भी गलत फहमी है हुजूर हैजूर अक्रम सल की सिफारिश का महज इंतजार करते रहना और उसके लिए असबाब का इख्तियार ना करना यानी नेक आमाल को अपनी जिंदगी में सर ना देना और ये समझना कि सिर्फ हमें ख्वाहिश और उम्मीद से और नए कामाल को तर्क करके आप सल्लल्लाहु अलैहि सल की सिफारिश अता हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है इस हवाले से मारूफ अलकर फरमाते हैं तलबुल जन्नत बिला जुनूबी जन्नत को बगैर अमल के तलब करना गुनाहों में से एक गुना ही तो है और सिफारिश का इंतज़ार करना बग़ैर सबब इख्तियार किए यानि बग़ैर नकमल के किए ये भी धोखे का एक अंदाज़ है और अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त की रहमत की उम्मीद रखना उसकी नाफरमानिया करके ये बहुत बड़ी जहालत है और बहुत बड़ी हमाक़त है लिहाजा हजूर अक्रम सलम की सिफ़ारिश के हवाले से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस कस्म की किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो और हमें पता होना चाहिए कि आप सल की सिफारिश अगर हम हासिल करना चाहते हैं जो कि क़यामत के दिन का एक बहुत बड़ा एहसास है तो फिर उसके लिए हमें सही अहादीस के मुताबिक वो तमाम ने कामाल करने होंगे और अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा करने होंगे ताकि हम आखरत की जिंदगी में अल्लाह इज़्ज़त के इस अजीम इनाम को पा सकें ताकि आखरत की ज़िंदगी में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अज़ीम एज़ाज़ का मस्त अपने आप को बना सकें आज हम जिस सिफ़ारिश की बात कर रहे हैं और कयामत वाले दिन जो सिफ़ारिशें होनी हैं और उनकी मुस्त और उनके हवाले से जो मुँ उसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनके हवाले से जो हमने डिस्कशन करनी है इसका मनत नतीजा ये है कि हमें दुनिया की जिंदगी इसलिए अता की गई है कि हम आखरत के फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारें आखरत को संवारने की कोशिशें करें और फिर जब हम आखरत की बात करते हैं तो हमें जहन में रखना होगा वो क़यामत के दिन की परेशानियाँ तकलीफें और मुशक्तें जो कि लोगों को क्यामत वाले दिन आएंगी और फिर ज़रा तस्वुर कीजिए कि उस सख्त और मशक्क़त दिन में अगर किसी को हजूर अक्रम सिफारिश नसीब हो जाती है और फिर वो उस दिन की मुशक्कतें और तकलीफें उस पर आसान हो जाती हैं और वो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त की पकड़ से बच जाता है तो ये किस कदर अजीम खुशखबरी है और किस कदर अजीम एज़ाज़ और खुशकस्मती है यही वजह है कि सहाब कराम रिजवानल इस बात की बड़ी हिर्स रखते थे

ताकि आप मेरे लिए सिफ़ारिश करें तो देखिए कि किस तरह साथी परेशान हो रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश के केसूल के लिए क्या आज का मुसलमान भी इसी तरह से परेशान होता है क्या हमें भी इसी तरह से फिक्र है कि आखिरत की जिंदगी में हमें यह सिफ़ारिश अता होगी कि नहीं खाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अला उराती सबसे पहले जब तुम तलाश करने लगो तो मुझे पुले सिरात के पास तलाश करना काला कहते हैं कुल तू मैंने कहा फ इम अल्लाह के पैगंबर अगर मैं आपसे पुलिस रात के पास मुलाकात ना कर पाया आप मुझे वहां नजर न आए तो फिर मैं क्या करूँगा काला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम ने फरमाया फलुब नी इन फिर तुम मुझे मीज़ान के पास तलाश करना कहा का इन दलमीज़ानी और अगर मैं आपसे मीज़ान के पास भी मुलाकात ना कर पाया आप मुझे वहाँ भी नज़र ना आए तो फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ जरा अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह वो एक एक चीज के बारे में तफसील से पूछ रहे हैं जो कि इस बात का इजहार है कि उन्हें आखरत के दिन हजूर अक्रम सल्हसम की सिफारिश पाने का लालच किस कदर ज़्यादा था खाला तो आप सल्हसम ने फरमाया फलुब न फिर तुम तो मुझे हौज कौसर के पास ढूंढना वहाँ तलाश करना फनी लाउत उहादलास अलमवान में इन तीन जगहों में से किसी जगह पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा मिल जाऊंगा इसे अहमद ने बयान किया है तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब किराम किस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हासिल करने का लालच और हिस्सा अपने दिल में रखते थे और उन्हें आखरत की जिंदगी की फिक्र किस तरह से थी सवाल यह पैदा होता है कि क़्यामत के दिन जो सिफारिश होगी या जो सिफारिशें होंगी उनकी हकीकत क्या है दूसरा सवाल जो हमने तलाश करना है जिसका जवाब वो ये है कि आप सल्लासम को जो हक सिफारिश अता किया जाएगा उसकी किस्में कितनी है और फिर तीसरा सवाल ये है कि हम किस तरह से आप सल्लाम की इन सिफारिशों के मुस्तक अपने आप को बना सकते हैं चौथा सवाल हमने ये देखना है और इसका जवाब तलाश करना है कि क़यामत वाले दिन वो कौन से बदकस्मत लोग होंगे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफारिश से महरूम कर दिए जाएंगे पांचवा सवाल हम ये तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा क़यामत वाले दिन वो कौन से लोग हैं जिन्हें सिफारिश करने का एजाज अदा किया जाएगा क्या ये मुमकिन नहीं कि हम भी नेक अमल करके उन लोगों में शामिल हो जाएं जो कयामत के दिन सिफारिशें करने वाले होंगे सिफारिशें लेने वाले नहीं होंगे फिर अगला सवाल हमने ये देखना है कि आप वसल्लम के अलावा कयामत के दिन सिफारिशें करने वाले कौन होंगे और हम उनकी सिफारिशों को हासिल करने के लिए क्या कोशिशें कर सकते हैं ये है वो चंद सवाल के जिनके हवाले से इन हम अपने अपकमिंग सेशंस में भी इनके जवाब शरीयत की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे आज हमारा इस हवाले से जो पहला सेशन है इसमें हम सीखेंगे कि सिफारिश क्या है और क़यामत के दिन सबसे पहले सिफारिश का हक किस हस्ती और ज़ात को अता किया जाएगा और कौन लोग होंगे जो उस अजीम हस्ती की सिफारिश के हक़ से फायदा उठा सकेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि सिफारिश का मतलब क्या है शफात का मतलब क्या है किराम के मुताबिक इसका मतलब है तलबुल खैरी के लिए खैर तलब करना यह है शफात या सिफारिश और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा वो करामत है वो एजाज है वो जिसे चाहे अपने बंदों में से वाले दिन अता करे और क्यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे नेक लोगों को सिफारिश का हक अदा करेंगे जिनके बारे में हम वन बाय वन अपने डिफरेंट सेशंस में सीखते चले जाएंगे लेकिन क्यामत वाले दिन सबसे बड़ी और पहली सिफारिश का हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा आप वसल्लम को यह एजाज अता होगा कि आप आपत के दिन की सबसे बड़ी और सबसे अजीम तरीन और सबसे पहली सिफारिश करेंगे यहां हमें ये भी पता चला कि ये जो शफात है या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम की सिफारिश है ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही जिसे कहते हैं अहमियत का हामिल एक मामला है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम के सिफ़ारिश के साथ हमारी क़यामत के दिन की ज़िंदगी में जो हमारा अंजाम है वो जुड़ा हुआ है अगर हम में से किसी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश नसीब हो जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते तो यकीनन ऐसे इंसान और ऐसे उम्मतियों की आखरत संवर जाएगी और इस हवाले से हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि आपके की उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए या आपको वाले दिन सिफ़ारिश का हक हक़ा कर दिया जाए अब्दुल्ला इबन उमर रसी तुम कहते हैं कि ने फरमाया सरमाया तो न शफाती अवद खुल्फमतल जन्ना मुझे इख्तियार दिया गया ऑप्शन दी गई कि या तो मैं सिफारिश का हक ले लूं या ये मेरी निसफ उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए शफा आता तो मैंने सिफारिश के हक को इख्तियारंद होगी और ज्यादा इंसानों के लिए कफायत कर जाएगी आप सल का उम्मती होने के नाते अब हमारे ऊपर यह फर्ज आयद होता है कि हम अपनी जिंदगी में आप सल्हसम की पैरवी और अल्लाह रब्ल की फरमा बरदारी में अपने आप को जद्दोजहद में लगाए रखें और इस जद्द जहद के नतीजे में हम अल्लाह रब्ल से ये तो करें कि वो क़यामत वाले दिन हमें हज़ूर अक्रम सल्हसम की सिफ़ारश अ फ़रमाएँगे और इसके लिए हर तरह के शर वसाइल को अख्तियार करने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल रबुलजत से दुआ भी करते रहें और हर तरह से नकमल करने की इस नीहत के साथ कोशिश करें कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें इस अजीम सिफारिश से महरूम ना करे और हकीकत बात यह है कि अगर कोई शख्स इस अजीम सिफ़ारिश से महरूम हो जाता है वो इंतहाई बदकिस्मत इंसान है और आज दुनिया की जिंदगी में हम सब के पास ये मौका है हम जितनी कोशिश कर सकते हो कर लें ताकि हम वाले दिन वाले की अजीम सिफारिश से और दीगर सिफारिशों से मुस्तफीद हो वाले दिन, वाले को सिफारिश या शफातों का एक सिलसिला अता किया जाएगा सबसे पहले आप आम सिफारिश करेंगे और हमें अपनी शरीय के मुताले से पता चलता है कि इस आम सिफारिश से मुराद ये है कि के आपके सिफ़ारिश पर कुल मखलूक के हिसाब किताब का आगाज़ होगा और इसे कुरान और सुन्नत में शफात कुबरा भी कहा गया है यानी अजीम शफात और उसे मकाम महमूद भी कहा गया है जिसका वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया है तो ये आम सिफ़ारिश है और इस सिफ़ारिश के नतीजे में कयामत के दिन हिसाब किताब का आगाज़ होगा इसे शफात कुबरा या बहुत बड़ी सिफारिश भी कहा गया है और इसे मकाम महमूद भी कहा गया है और ये वो सिफारिश है कि जिससे कुल इंसानियत मुस्तफीद होगी और इसके बारे में हम मजीद डिस्कशन आगे चल के करते हैं फिर इसके बाद यानी इस अजीम तरीन सिफारिश के बाद आपलीसम को कुछ और सिफारिशों का हक भी अदा किया गया है जिससे खास तौर पर आप सल्हम के उम्मतियों को फायदा पहुंचेगा और जाहिर है कि उन्हीं उम्मतियों को फायदा पहुंचेगा जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैरवी और फरमा बरदारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में कोई कसर उठा ना रखी होगी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से इजाजत मिल जाएगी तो हमें अहादीस के मुताले से पता चलता है कि आप वाले दिन कोई मुकाम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए सिफारिश नहीं करेंगे और इस हवाले से अहमद की रिवायत है कि आप सल्हम फरमाते हैं फमाजिल तुरार मैं अपने रब के सामने बार बार अपनी दरखास्त को दोहराता रहूँगा फ़ला अकूम मकामन अल्ला शफफ़ैतो मैं जगह जगह खड़े होकर कोई जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश ना करूँ और मेरी सिफ़ारिश कबूल की जाएगी तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सलम की अजीम तरीन सिफ़ारिश के हवाले से और ये वो सिफ़ारिश होगी जिसे के शफात कुबरा का नाम दिया गया है और मकाम महमूद का नाम दिया गया है और आपको पता है ना कि हम सब जब अजान होती है तो उसके बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुक़ाम महमूद की दुआ करते हैं तो ये जो सबसे पहली और अजीम सिफ़ारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी ये दरअसल क़्यामत के दिन का हिसाब किताब के आगाज़ के लिए अता की जाएगी और आप अलैहि वसल्लम की इस सिफ़ारिश के नतीजे में कुल मखलूक़ात इंसान और जिन इससे फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें राहत पहुंचेगी चाहे कोई मुसलमान है या चाहे कोई काफिर है उसकी वजह यह है कि क़्यामत का क्या दिन बड़ा सख्त दिन होगा उसकी मुशक्त बड़ी होगी परेशानी उस दिन बहुत होगी हर कोई उस दिन अपने अपने नफ्स के हवाले से फिक्रमंद होगा और इस मुशक्क़्क़्क़त को बर्दाश्त करते करते तवील वक्त गुजर जाएगा यहाँ तक के कुल इंसानियत आप वसल्लम से आके दरख्वास्त करेगी कि अब अल्लाह इज्जत से आप बात कीजिए ताकि हमारे हिसाब किताब का आगाज़ हो और हमारी इस तकलीफ़ दे दिन का इख्तिताम हो तो यही वो मुकाम महमूद है जिसका वादा अल्लाह इज्जत ने आप वसल्लम से कुरान में भी किया है मिसाल के तौर पर देखिये सूरत की आयत नंबर नाइन में अल्लाह रब का रबाद है वा लका मकाम और रात के वा किया करो। हो सकता है? या शायद तुम्हें इससे ये फायदा पहुंचे कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद अता करे क़यामत का दिन जिसे के योमश भी कहा गया है उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल मखलूक़ात को तमाम इंसानों को उनके क़बरों से जिंदा करके उठा कर ले आएंगे और तमाम इंसान अव्वल व आखिर सब इकट्ठे वहाँ हो जाएंगे महशर की सरजमीन पर और आप वसल्लम की अदीस के मुताबिक सब बेलिबास होंगे और बग़ैर ख़तने के होंगे ऐसा क्यों होगा ये वही कैफियत है जो इंसान की अपनी इस दुनिया की जिंदगी में पैदाइश के वक्त होती है जब वो अपनी माँ के जिसम से बाहर आता है तो ना तो उसके बदन पर लिबास होता है और ना ही उसका खतना हुआ होता है तो गोया जब इंसानों को क़्यामत वाले दिन कब्रों से उठाया जाएगा तो वो उसी तरह की कैफियत से गुजरेंगे ये उनकी एक और पैदाइश होगी बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने माँ के जिसम से निकले थे अब की बार वो जमीन के जिसम से निकलेंगे और उसी कैफियत से निकलेंगे जैसे इंसान की पहली दफा दुनिया की जिंदगी में पैदाइश हुई थी फिर अदीस के मुताबिक ये इंसान शदीद तकलीफ़ क़्यामत के दिन की मशक्क़्क़्क़्क़तों और होलनाकियों को चालीस साल तक खड़े होकर सहते रहेंगे ना तो अल्लाह तला इनसे बात करेंगे सूरज इनसे एक मील के फ़ासले पर आ चुका होगा तमाम इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे और फिर इन में से बा को लगामे पहनाई गई होंगी और उस दिन लोग इस कदर शदीद तकलीफ़ और मुसीबत और कर्ब से गुजर रहे होंगे कि जिसकी कैफियत का अंदाज़ा सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त को ही है हती के एक रिवायत में आता है कि उनमें से बाज ये तमन्ना करने लगेंगे कि काश उनका हिसाब जल्द कर दिया जाए ख़ा इसके बाद उन्हें आग में ही क्यों ना डाल दिया जाए यानि इस कदर शदीद तकलीफ़ होगी क़्यामत के दिन और इस कदर शद होलनाकियों से वो गुजरेंगे और इतना तवील ये अरसा होगा कि बेसब्रे हो के कहने लगेंगे कि बस अब हिसाब के मरहले का आगाज कर दिया जाए हम इस तकलीफ को और इन होलनाकियों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते खा इसके बाद हमें आग में ही क्यों ना डाल दिया जाए तो जरा तस्वुर कीजिए कि किस कदर शदीद और सख्त तरीन दिन होगा उस सख्त और शदीद तरीन दिन की शिद्दत में इस हवाले से भी इजाफा हो जाएगा कि उस दिन अल्लाह रबुल्ज़त को उसकी मखलूक़ इस कदर गज़बनाक हालत में पाएगी जैसा कि इससे पहले कभी भी उसकी मखलूक में से किसी ने उसको गज़बनाक नहीं देखा था और उस दिन के बाद भी अल्लाह रब्ज़त को कभी इस कदर ग़बनाक हालत में नहीं देखा जाएगा इससे इंसानियत की मशक्क़्क़्क़्क़त होलनाकियोंमत के दिन की तकलीफ़ों में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा हर शख्स को उस मैदान में अपनी अपनी पड़ी किसी नबी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने रब को मुखातिब करते हुए ये दरखास्त कर सके कि अब इंसानियत थक चुकी है अब इसके हिसाब का आगाज कर दिया जाए ये आजाज भी उस दिन सिर्फ

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी खातमुल अम्बिया वल मुरसलीन होने के नाते जाहिर हो जाएगी और फिर खास तौर पर जब कुल इंसानियत देख लेगी कि सबसे बड़ी और पहली सिफारिश जिसे शफाते कुबरा कहा जाता है और मुकाम महमूद कहा जाता है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई है तो इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत قیامت ولدن سب پر ظاہر ہو جائے گی हजूर अक्रम सलीलसम को क़्यामत वाले दिन इस सिफारिश के अलावा जो कि अजीम तरीन सिफारिश है कुछ और सिफारिशों के हक भी अदा किए जाएंगे मिसाल के तौर पर आप ही की सिफारिश पर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और ये सिफारिश आप पहली सिफारिश के बाद करेंगे आप को एक सिफारिश ये भी अता की जाएगी कि आपकी सिफारिश पर इतनी बड़ी तादाद में आपके उम्मतियों को बगैर किसी हिसाब के और एज़ाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा एक और सिफारिश आपको यह अदा की जाएगी कि मुशरकन और कुफार के वो मासूम और नाबालिग बच्चे जो अपनी जिंदगी में सही और गलत में तमीज नहीं कर सकते थे लेकिन वफात पा गए और वो काफिर भी नहीं हुए तो उनको भी आप सल्लासम जन्नत में अपने हमरा लेकर रवाना हो जाएंगे फिर आप सल्लसम को यह सिफ़ारिश का हक भी दिया जाएगा कि आपकी सिफ़ारिश पर आपके चचा अबू तालिब के अजाब में तखफीफ की जाएगी यानी उनके अजाब को हल्का कर दिया जाएगा इसी तरह आप सल्हसम को दीगर कुछ और सिफारिशें भी अदा की जाएंगी और उसके बाद फिर अगली सिफ़ारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जिनके बारे में हम इंशाल्लाह अपने आने वाले सेशन में सीखेंगे तो आइए जरा आते हैं

कैफियत से गुजरेंगे जिसको बर्दाश्त करना उनके बस में नहीं हो रहा होगा तो लोग पुकार कर कहेंगे क्या तुम नहीं देख रहे हमारी क्या हालत हो चुकी है तुम क्यों अपने रब से हमारे लिए सिफारिश नहीं करते बास लोगों की पुकार पर बास और सुनकर कुछ और लोगों से कहेंगे चलो आओ सब मिलकर आदम अल सलाम के पास चलते हैं फिर वो सब मिलकर आदम सलाम के पास आ जाएंगे आदम को मुखातिब करते हुए कहेंगे अल्लाह रबुल्जत ने आपको, ये अता किया कि आपको अपने हाथ से पैदा किया वोह ही और आपके अंदर उसकी रूह से अपनी रूह से रूह कू की वह अमर अलमला इकता फसल का और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया तो अल्लाह रबुल्जत के हुक्म पर तमाम फरिश्तों ने आपको सजदा किया यानी वो हजरत आदम सलाम को याद दिलाएंगे कि आप अल्लाह रब के बहुत ही मुक़र्रब हैं, अल्लाह रब ने आपको बहुत सारी इज्जतें अदा की हैं आदम सलाम अपने रब के पास हमारी सिफारिश कीजिए अल तरा इलामान क्या आप नहीं देख रहे हम किस कदर मुशक्त से तकलीफ से गुजर रहे हैं और अब यह तकलीफ हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रही अला तरा अला कद बल गा क्या आप नहीं देख रहे हैं कि इस मुशक्त को बर्दाश्त कर करके हमारा क्या हल हो गया है फ़क़ूल उ आदमु तो आदम इस पर जवाब देंगे इन्ना रब बे बल यौ बन लमयला आज मेरा रब जितना ग़ब नाक है इससे पहले कभी वो इतनी गज़ब वाली हालत में नहीं आया वह नहीं हो और इसके बाद गजबनाक हालत में नहीं आएगा वह इन्ना अनिश् जाना थी फास मुझे तो बड़ी शर्म आती है उसने मुझे रोका था कि मैं दरख्त से ना खाऊं लेकिन मुझसे उसकी एक नाफरमानी हो गई थी नफ सी नफ सी नफ सी आज तो मुझे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है मैं आप लोगों के लिए क्या सिफारिश करूंगा? आप लोगों के लिए क्या बात करूं? मैं तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। ए इला गरी तुम किसी और के पास चले जाओ मेरे अलावा एध इला नो ऐसा करो सलाम के पास चले जाओ फयातू तू फिर वो सारे नू सलाम के पास आएंगे फ़या ना इसी तरह की दरख्वास्त हज़रत सलाम से करेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे अल्लाह रबुल्जतरी हैं अल्लाह तला ने आपको बहुत एजाज अदादी अल्लाह रबुल्जत ने आपको जमीन वालों की तरफ पहला पैगम्बर बनाकर रवाना किया था वक्त शकूरा और अल्लाह रबुल्जत ने आपको शिक्र गुजार बंदा बनाया और आपको शुक्र गुजार बंदा कहा इशफ़ अलना अला रब प्लीज इन तमाम एजाजत का वास्ता देकर हम आपसे दरखास्त करते हैं अपने रब के पास हमारी सिफारिश कर दीजिए हम से क्यामत के दिन की ये तकलीफे बर्दाश्त नहीं हो रही अल्लाह रबुल्जत से दरखास्त कीजिए कि अब वो हमारे हिसाब किताब का आगाज कर दे अला तरा अला मानह मफ़ी ही क्या आपको हमारी ये हालत देख कर तर्स नहीं आता फ़याक़ूलू तो हज़र सलाम कहेंगे इन्ना गज़ब ज बल्यो लम लमदबू मिसल हूँ आज मेरा रब जिस कदर गज़बनाक हालत में है मैंने अपने रब को इस क़दर गज़बनाक हालत में इससे पहले नहीं देखा और इसके बाद भी वो कभी इतनी गज़बनाक हालत में नहीं आएगा मैं आप लोगों के लिए कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिफारिश करूं मुझे अपनी एक वो दुआ याद आती है जो मैंने अपनी कौम के खिलाफ की थी यानी उनको बद दुआ दी थी तो आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है पता नहीं मेरी भी नजात होती है या नहीं होती मेरा रब मेरी बात या गुजारिश को सुनता है या नहीं सुनता आप लोग ऐसे करें कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाएं इसब इला इब्राहिमा ऐसे करें कि इब्राहिम सलाम के पास चले जाएं फयातूना तो फिर वो तमाम इंसान मिलकर क़यामत के दिन की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए और उस दिन की परेशानियों से गुजरते हुए हज़रत इब्राहीम के पास आएँगे फ़िरून और दरख्वास्त करेंगे या इब्राहीम हो ऐ इब्राहीम ए अल्लाह तला के मुआज़ और करीब तरीन बंदे अनता नबील आपको अल्लाह तला नेज़ाज़ अदा किया कि आप रबालत के नबी हैं वह खलील अहल और उसने कुल इंसानियत में से जमीन वालों में से सिर्फ आपको अपना दोस्त चुन लिया खलील बनाया इश फालना इला रबिका अपने रब के पास हमारी सिफारिश कर दीजिए अपने रब से दरख्वास्त कर दीजिए कि वो हिसाब किताब का आगाज करे अला तरा अला मानाह ही क्या आप नहीं देख रहे कि हमारी हालत कितनी ख़राब हो गई है क़यामत के दिन की होलनाकियों मुशक्क़तों और तकलीफ़ों से अब हम हमारे लिए इसको बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा फ़ैक़ूल उम तो हज़रत इब्राहीम उन इंसानों को मुखातिब करते हुए कहेंगे आज मैं अपने रब को जिस गज़बनाक हालत में पाता हूँ इससे पहले मेरा रब कभी इस तरह गज़बनाक नहीं हुआ और आज के बाद भी वो कभी इतना गज़बनाक नहीं होगा मुझे अपनी वो तीन बातें याद आती हैं कि जिनमें मैंने गलत बयानी से शायद काम लिया तो मुझे तो आज अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं मेरा रब मेरी पकड़ ना कर ले मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आप लोगों की सिफारिश अपने रब के सामने करूं ऐसा करो कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ एजहब इलामूसा आप लोग हज़रत मूसा सलाम के पास चले जाएँ फया तू ना मूसा तो वो सारे इंसान हजरत मूसा सलाम के पास आ जाएंगे फयाकुलू ना और कहने लगेंगे या मूसा अनता रसूल मूसा अल्लाह रबुलाजत ने आपको ये एज़ाज़ बख्शा कि आप अल्लाह रब्ज़त के पैगम्बर पे हैं फ़ल्लासाल आपको अपनी ख़ास तौर पर रिसालत अता की वह भी कलाम ही अलन्नासी और तमाम लोगों में से कुल इंसानों में से आपको एजाज अदा किया कि आपके साथ वह हम कलाम हुआ इश्फ अलना अला रब्बिका हमारी सिफ़ारिश अपने रब से कर दीजिए अला तरा अलाफी ही क्या आप आज हमारी हालत नहीं देख रहे कि क़्यामत के की दिन की होलनाखियों और मुशक्क़्क़तों को बर्दाश्त कर करके हमारा क्या हाल हो गया है तो इससे पहले कभी उसे इतना गुस्सा नहीं आया और आज के बाद भी कभी उसको इतना गुस्सा नहीं आएगा मुझसे अपनी जिंदगी में गलती हो गई थी न चाहते हुए भी मेरे हाथों एक इंसान का कत्ल हो गया था अगर मेरे रब ने मुझे इस पे पकड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा मुझे तो अपनी पड़ी हुई है मैं तो अपने बारे में परेशान हूँ और सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए सिफारिश आज कैसे कर सकता हूँ ऐसा करें कि आप सब लोग किसी और के पास चले जाए इजहबी सबन मरियमा ऐसा करें कि आप लोग हजरत ईसा इबन मरियम के पास चले जाए फया तो ना ईसा फिर वो हजरत ईसा के पास आएंगे फया कोलू ना और कहेंगे या ईसा आईसा अन आप अल्लाह रबालत के बड़े बरगुजीदा पैगंबर बने हैं वह कलिमा तो इला अलामरियमा और आप उसका कलिमा हैं जो कि उसने मरियम की तरफ डाला वह रुहमिन हो और अपने पास से आपको रूह अता की वह कल्लम तफन्ना सिफ कल्लम तन्ना सफिलमहदिया और आप बहुत छोटी उम्र में जब अभी बच्चे थे नौमोलूद बच्चे थे तो आपने अपनी माँ की गोद में इंसानों से हम कलाम हुए اشفع لنا الى ربك हमारी सिफारिश अपने रब के पास कर दीजिए अला मा अलाफी ही क्या आप नहीं देखते कि आज हम किस कदर मुशक्क़त से गुजर रहे हैं फ़ैक़ूल व ईसा तो हज़र ती सलाम फ़रमाएंगे मैं आज अपने रब को इस कदर गज़बनाक पाता हूँ कि मैंने अपने रब को इससे पहले कभी इतना गज़बनाक नहीं देखा और वो आज के बाद भी कभी इतना गज़बनाक नहीं होगा और हजरत ईसा अलैहि सलाम अपनी किसी गलती का तस्करा नहीं करेंगे ताहम वो भी दीगर अम्बिया की तरह यही कहेंगे न नफसी 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 आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है ये भी नहीं पता कि मैं कामयाब होता हूँ या नहीं मेरा रब मेरे साथ कैसा सलूक करता है इज़हबु व इलाग़री लिहाजा तुम किसी और के पास चले जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इंसानों से इज़हबु इला मोहम्मद ऐसा करो कि तुम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ तो वो सब इंसान हजरत मोहम्मद के पास आएंगे और आप सल्ह से दरखास्त करेंगे याबिया ई अल्लाह तातम्बिया और ख़ातमी बनाया फिर आपको यह एहसास भी अता किया कि अल्लाह रबुल्जत ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए इश्फ अला रबिका आप हमारी सिफारिश अपने रब के पास कीजिए हमारी दरखास्त को अपने रब तक पहुँचाइए क्या आप नहीं देख रहे कि क़्यामत के दिन की मशक्क़तें और तकलीफ़ें अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती इंसानियत की यह दरख्वा सुनकर कहते हैं फ़न तले को तो मैं चल पड़ूँगा फ़ी तहत तला अर्श फिर मैं अर्श के नीचे आ जाऊँगा फ़आकार उसाजन रब और मैं सजदे में अपने रब के सामने अपना सर डाल दूँगा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ऐसी तारीफ बयान करेंगे जो कि इससे पहले कभी भी ऐसी तारीफ बयान नहीं की और फिर मुझसे कहा जाएगा ए मोहम्मद इरफा सका अपने सर को उठाइए सल तो मांगिए आज आपको अता किया जाएगा वशफ़ा और सिफारिश कीजिए तो शफ़ा आपकी सिफ़ारिश को कबूल किया जाएगा फ अर फासी तो मैं अपने सर को उठाऊंगा और फिर कहूंगा उमत यारब एम रब मेरी उम्म उम्मत उम्मती या रब एम रब मेरी उम्म उम्मत उम्मती या रब एमरब मेरी उम्मत तो ये हैं क़यामत के दिन के वो चंद वाकयात जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सलीसम की सबसे पहली और अजीम सिफारिश के हक का पता चलता है और किस तरह कुल इंसानियत आपके इस अजीम सिफ़ारिश के हक़ से मुस्फ़ी होगी इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और सिफारिशों के हुकूक भी अदा किए जाएंगे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि और भी बहुत सारी सिफारिशें होंगी ये जो पहली सिफारिश के बारे में हमने अभी सीखा है ये दरअसल आपकी आम सिफारिश है जिससे कुल इंसानियत फायदा उठाएगी चाहे कोई मुसलमान है या काफिर है सब मिलकर आपसे दरख्वास्त करेंगे और आपकी दरखास्त पर अल्लाह इज़्ज़त हिसाब किताब का आगाज करेंगे इसके बाद फिर हम अगले लेसन में आप सल्लसम की दीगर सिफारिशों के बारे में सीखेंगे और ये दीगर सिफारिशें खास सिफारशें हैं और जब हम ये कहते हैं कि ये खास सिफारिशें हैं तो ये दरअसल आप सल्हम जो अपनी उम्मत के हक में खास सिफारिशें करेंगे उनको ख़ास सिफ़ारश कहा गया और वो भी कई तरह की हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपने दीन को सीखने के लिए वक्त निकालें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए तमाम लोगों तक और अपने प्यारों तक हम इन तलीमत को पहुँचाने की पूरी कोशिश करें क्योंकि हकीकी कामयाबी आखरत की कामयाबी है दुनिया की कामयाबियाँ वक्तीफ़ कामयाबियाँ हैं और अगर किसी शख्स का दामन हकीक़ी कामयाबी से खाली रह गया तो ये बहुत ही बड़े खसारे वाली बात है अल्लाह इज़्ज़त से ये दुआ भी हमें करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें वो नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा जिसके नतीजे में क़्यामत वाले दिन हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल सिफ़ारिशों से मुस्तफ़ीद हो सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हौज वालों और सिफ़ारिश हासिल करने वालों में से बना दे ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फ़रमा और क़यामत के दिन की होलनाकियों और तकलीफ़ों और मुशक्क़्क़्क़तों से हमें महफूज फरमा अल्ला इलाहा इल्ला अंता असतफिर व इलैक